अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए अपने चेहरे को तरोताज़ा रखने के लिए एक आसान सा उपटन बनाना सिखाऊंगी, जो कि आपकी जिल्द को एकदम फ्रेश कर देगा और डल स्किन को फेयर कर देगा और जिल्द के जितने भी मसाइल हैं उन सबको हल करेगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बाकी रेमेडीज़ की तरह ये रेमेडी भी आप लोगों को पसंद आएगी। चलें देखते हैं कि आज की जो रेमेडी है उसको किस तरह से बनाना है। आज हम उपटन बना रहे हैं, उसके लिए हमें चार इंग्रेडिएंट चाहिए। नंबर एक, चमेली की खली। नंबर दो, बेसन। नंबर तीन, हल्दी। नंबर चार, दालचीनी का पाउडर। सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है और उसके अंदर आपने जो चमेली की खली है वो एक कप ले लेना है। एक कप चमेली की खली शामिल करें और उसके अंदर आप एक ही कप बेसन शामिल कर लें और उसके अंदर फिर आप दो टेबल स्पून हल्दी शामिल करें और एक टीस्पून दालचीनी का पाउडर शामिल करें। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके आप अच्छा खासा उपटन बन जाएगा ये। इसको किसी बॉटल के अंदर आप रख लें, एयर टाइट बॉटल में रखिएगा और फिर जब आपको इस्तेमाल करना हो, वैसे तो इसको रोज़ाना ही लगाना होता है चेहरे के ऊपर, आप रोज़ाना इस्तेमाल करें इसके बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। तो जब आपको इस्तेमाल करना हो, बनाना हो, तो इसके अंदर से आपको जितनी मिकदार चाहिए कि 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून जितनी मिकदार चाहिए उपटन की, वो किसी अलग बाउल में निकालिए और उसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस शामिल कर लीजिए। जैसे 1 टेबल स्पून काफ़ी रहेगा तो 1 टेबल स्पून आप नींबू का रस शामिल करें उसके अंदर और बाकी उसके अंदर पानी मिलाकर आप गाढ़ा गाढ़ा सा उपटन सा बना लीजिए। जब उपटन तैयार हो जाएगा तो आपने सबसे पहले अपने फेस को वॉश करना है और फिर उसके बाद ये उपटन उसके ऊपर लगाना है और उसको मलना है आपने। जैसे हम उपटन लगा के मलते हैं ना, जिस तरह से हाथों के ऊपर भी लगा लें, आप पैरों पे भी लगाना चाहें पैरों पे भी लगा लें, सिर्फ फेस पे लगाना चाहते हैं तो सिर्फ फेस के ऊपर लगा लीजिए। तो उसको लगाने के बाद आपने थोड़ा सा मलना है इसको और फिर ऐसे ही छोड़ देना कुछ देर के लिए और उसके बाद दोबारा से आप इसको मल मल के, जिस तरह से उपटन को निकालते हैं उस तरह से आप इसको मल के निकालिए और रोज़ाना आप इसको एक टाइमिंग बना लें कि मुझे इस टाइम इसको यूज़ करना है, या जब भी आपको टाइम मिले दिन में एक मरतबा इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपकी जिल्द बहुत ही फ्रेश हो जाएगी, कलर आपका फेयर हो जाएगा और स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब हल हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेमेडी भी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी इसी तरह की आसान आसान रेमेडीज़ को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।